नमस्कार दोस्तों, आपको पता है कि पीएम किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त का पैसा 5 अक्टूबर 2024 को ही भेज दिया गया। लेकिन दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी कि आधे से कम किसानों के खातों में पैसे पहुंचे थे कब? 5 तारीख 2024 को। दोस्तों, इसका एक विशेष वजह है, वो मैं आपको भी बताता हूं। लेकिन यहां पे इस सिचुएशन को देखते हुए हमारे बहुत सारे किसान भाई हैं जो कि परेशान हैं, जिनकी किस्तें पिछले सभी किस्तें लगभग उनकी आई हुई हैं, लेकिन 18वीं किस्त अचानक ना आए तो जाहिर सी बात है कि परेशानी तो सभी को होगी। तो ऐसे बहुत सारे, जैसे मैंने आपको बताया कि आधे से कम, देखिए भेजा तो गया है 9.4 करोड़ किसानों के खातों में पैसा, लेकिन मुश्किल से 5 करोड़ देखा जाए या उससे भी शायद कम किसानों के खातों में पैसे 5 अक्टूबर को पहुंचे हैं। तो ऐसे में इन सब चीजों को देखते हुए बहुत सारे किसान परेशान हैं, बहुत सारा कमेंट किए हैं कि सर मेरा सब कुछ सही है लेकिन इसके बावजूद भी पैसा नहीं आया हुआ है। तो क्या रीजन था वो हम डिस्कस करेंगे। आप लोगों का जो भी समस्याएं थी वो बिल्कुल समाप्त हो जाएंगी, अब आपके खाते में पैसे आ जाएंगे। देखिए, सबसे पहली प्रॉब्लम मैं आपको बताऊं दोस्तों, 5 अक्टूबर जब पैसा भेजा गया उस दिन था सैटरडे, और आपको पता है दोस्तों कि सैटरडे को अधिकांश बैंक बंद भी रहती हैं, ठीक है। अच्छा, ज्यादातर बैंकों के बंद होने की वजह से भी दोस्तों होता यह है कि पैसा उनके खाते में नहीं प्रोसेस होता है। दूसरा चीज ये है कि सैटरडे के जस्ट बाद आपको पता है कि संडे का दिन आ गया, यानी कि 6 तारीख संडे पड़ गया, जिसकी वजह से बिल्कुल हॉलीडे पड़ गया, यानी कि वर्किंग डे नहीं था। तो इस डेट में दोस्तों पैसा प्रोसेस्ड हुआ ही नहीं। मोदी की तरफ से पैसा तो भेज दिया गया, वहां से आपका पैसा प्रोसेस हो गया, बट आपके जो बैंक हैं, आपके बैंक में पैसा एक्सेप्ट नहीं हुआ। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ऐसा नहीं है कि जब मोदी जी वहां से पैसा मतलब बटन दबा दिए वैसे ही घसा घस आप लोगों के खाते में पैसे गिर जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। आपके बैंक का परमिशन भी अलाउ करना होता है, ठीक है, तो आपके खाते में पैसे आते हैं। तो आपका बैंक दोस्तों सैटरडे को, हम लोग वैसे जानते हैं कि काफी स्थानों पे हॉलीडे भी रहता है, साथ ही साथ हाफ डे भी रहता है कुछ स्थानों पे, कुछ बैंकों में, तो मतलब सैटरडे को काफी कम लोगों के खाते में पैसे आए। संडे पड़ गया उसके जस्ट बाद एक दिन, यानी कि 6 तारीख को संडे पड़ गया, तो 6 को भी पैसा बहुत कम लोगों के पास आया। इस बीच 5 तारीख 6 तारीख इन दोनों दिनों के बीच में मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए, लेकिन आज बहुत ही शानदार कमेंट आया लोगों का, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आज है मंडे, यानी 7 तारीख 2024 आज है मंडे, आज के दिन जैसे बैंक ओपन हुआ दोस्तों वर्किंग हावर्स में, मतलब 9 बजे के बाद ही लोगों के पास पीएम किसान सम्मान निधि का मैसेज आना चालू हो गया कि उनके खाते में पैसे पहुंच गए हैं। लेकिन कुछ लोगों के खाते में पैसे पहुंचे तो है लेकिन उनके पास मैसेज नहीं आया हुआ है, इसलिए उनको सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है। मैंने ऐसे कई लोगों को भेजा, वो लोग जाकर के अपना जनसेवा केंद्र पे चेक किए, मेरे पास भी कुछ लोग आए, मैंने भी चेक किया तो देखा उनके पास मैसेज तो नहीं गया था लेकिन उनके अकाउंट में पैसा आ गया था, ठीक है। तो यदि आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है तो आप लोग निश्चित ही सबसे पहले अपना अकाउंट एक बार चेक कर लीजिए, आपके खाते में संभवतः पैसा आ गया होगा। क्योंकि 9.4 करोड़ किसानों के खातों में पैसा वहां से जब ट्रांसफर हो गया है तो 100% है कि वो आपके खाते में आएगा ही। लेकिन हाँ, कुछ चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से आपके खाते में पैसा नहीं गिर सकता है। जैसे हम लोग जानते हैं आपका KYC कंप्लीट है, आपने NPCI करवाया है, किसी कारणवश आपका NPCI हट गया है, तो इस सिचुएशन में पैसा आपके खाते में नहीं जाएगा। तो आपको सबसे पहले एक काम और भी करना है, आप पीएम किसान साइट पे जाएंगे, वहां से सबसे पहले अपना आप स्टेटस चेक कर लीजिए, ठीक है ना। उसमें आप देखिए कि आपका KYC डन दिखा रहा है कि नहीं, आपका NPCI लिंक है कि नहीं है, ठीक है, आपका FTO प्रोसेस्ड है कि मतलब यस है कि नहीं है। तो इन चीजों को आप अच्छी तरह से एनालाइज एक बार अपने से कर लीजिए। इसके लिए आपको कहीं नहीं जाना है, अपने मोबाइल में सिर्फ आपको साइट ओपन करना है, OTP की आवश्यकता पड़ेगी, उसे आप सबमिट करके संपूर्ण डाटा को आप देख सकते हैं, ठीक है।
अच्छा एनपीसीआई को भी आप जानते हैं कि एनपीसीआई की साइड यूआईडीआई है, यूआईडीआई से हम चेक कर सकते हैं, एनपीसीआई से हम लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अपना एनपीसीआई भी एक बार चेक कर लीजिए, यदि आपका सब कुछ सही है तो पैसा आपके खाते में आएगा 100%, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों कभी कभी ये होता है कि एक दिन दो दिन तीन दिन तक भी पैसा आपके खाते में नहीं आता है, ठीक है ना, सप्ताह के बाद भी कभी कभी आ जाता है, वो आपके बैंक के सर्वर पे डिपेंड करता है। तो इन सारी चीजों को आपको जानना चाहिए। एक और भी कंफ्यूजन आपको बता दें, लोगों का यहां पे एनपीसीआई हट गया है तो उनको एक कंफ्यूजन ये है कि मेरा तो पैसा अब नहीं आएगा क्योंकि एनपीसीआई लिंक नहीं है अकाउंट। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान दीजिए, आप अपना एफटीओ देखिए यस है कि नहीं है। यदि आपका एफटीओ यस है तो इसका मतलब यह है कि पैसा आपके खाते में आने के लिए वहां से ऑर्डर कर दिया गया है। अब आपके खाते से एनपीसीआई हट गया है तो पैसा थोड़ी ना आपका लौट गया है, पैसा आपका सर्वर पे है। आवश्यकता है कि आप एनपीसीआई लिंक कीजिए, बस जैसे आप एनपीसीआई लिंक कर देंगे वैसे पैसा आपके खाते में वापस जमा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आज के दिन लोगों को बहुत ज्यादा राहत मिली है, आज बहुत सारे लोगों के पास पैसा आया है, आपका भी संभवतः आया होगा, इस तरीके से आप लोग अपना चेक भी कर सकते हैं। आई होप कि आपको इस वीडियो से काफी ज्यादा राहत मिली होगी, बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। ऐसे वीडियो देखना है दोस्तों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिएगा और लाइक तो अवश्य कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।